Namaskar everyone, welcome to the Shilpa Shetty channel and this is the art of loving food. आज मैं बनाने वाली हूँ बेक्ड करंजी, जो किसी भी ओकेजन के लिए एक परफेक्ट स्वीट स्नैक है. इस डिश के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं होल व्हीट फ्लावर, जैगरी एंड कोकोनट. ऑल्सो वी विल बी बेकिंग द करंजी टू गिव इट अ हेल्दी टच. चलिए, सबसे पहले आपको आटे की ज़रूरत है, तो मैंने ऑलरेडी इस आटे को गूंद के रखा हुआ है. एक कप आटा एंड मे बी टू स्पून ऑफ घी, हॉट घी, और उसमें कुछ क्वार्टर कप पानी की ज़रूरत होगी गूंदने के लिए. मेक श्योर कि आटा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो, सो इट हैज़ टू बी दिस कंसिस्टेंसी, ठीक है. एंड अब हम फिलिंग की तैयारी करते हैं कम गैस पे. सबसे पहले हम डेसिकेटेड कोकोनट को रोस्ट करेंगे. वैसे आप फ्रेश कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डेसिकेटेड कोकोनट जो है वो ज़्यादा समय तक टिकता है, सो यू कैन एक्चुअली स्टोर इट. सो जस्ट ड्राई रोस्ट इट, फिर आप उसमें आपके दूसरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालें, किशमिश, कैजूज, 3 टेबलस्पून पॉपी सीड्स, खसखस, आधा चम्मच इलायची का पाउडर. मैं स्वीट डिशेस में भी थोड़ा सा सॉल्ट का इस्तेमाल करती हूँ, बिकॉज आई फील इट जस्ट बैलेंसेस द डिश. जस्ट अ पिंच. इसे रोस्ट करिए. तो हमने आज यूज किया है 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट, तो उसके मुकाबले हम 3/4 कप जैगरी का इस्तेमाल करेंगे. हम जैगरी शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर जैगरी शुगर नहीं है आपके पास तो आप जैगरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स द सेम थिंग. इसे ज़्यादा मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको गैस को बंद कर दीजिए. अब इसमें आप एक चम्मच या 1 या 2 चम्मच, मुझे घी यूज़ करना बहुत पसंद है. इससे स्वाद जो है और बाहर आएगा. ये हो गया आपका फिलिंग तैयार, लुक सो प्रिटी. जो भी लम्प्स है बस एक स्पून के साथ उसको इवन आउट कर दीजिए, ठीक है. अब इसे साइड पे रखिए, इसे कूल डाउन होने दीजिए. अब हम आटे के डिस्क बनाएंगे और फिर कोल्ड फिलिंग को उसके अंदर भर देंगे. चलिए, अब हम आटे के बॉल्स बनाएंगे और उसे बेलेंगे. के 2 तरीके हैं. मेक श्योर दैट देयर इज नो एयर इन बिटवीन, सो जस्ट पुश इट ऑन द साइड. पेस्ट्री व्हील बहुत आसानी से मिल जाता है, तो जस्ट यूज दैट. नाउ यू जस्ट प्रेस इट डाउन, एक खूबसूरत सा डिजाइन बनता है. चलिए, ये हो गए हमारे करंजीज तैयार. अब हम इसे बेकिंग ट्रे पे डालते हैं. आई एम यूजिंग अ सिलिकॉन शीट, लेकिन अगर आपके पास वो सिलिकॉन शीट नहीं है तो प्लीज़ थोड़ा सा घी या तेल डाल के उसे थोड़ा सा मॉइस्ट कर दीजिए ट्रे को, एंड देन यू प्लेस देम ओवर. अब थोड़ा सा बेस्टिंग के लिए आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या वेजिटेबल ऑयल का भी. चलिए, अब हम इसे बेक करते हैं, लेकिन अवन को प्री हीट करिए पहले. एंड नाउ वी बेक इट एट 180 डिग्रीज फॉर अराउंड 20 मिनट्स. तो ये हो गए तैयार आपके बेक करंजीज. हाउ इजी वाज दैट?
It's a perfect sweet dish for every celebration without the guilty feeling of deep fried sweets. Hope you make it. Please like, share and subscribe to my channel. Tab tak ke liye, swasth raho, mast raho. Crispy!